नमस्कार, मैं हूं दिलासा पटले। बीएनएन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। नगर पालिका ने की सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था। जिला मुख्यालय में नगर पालिका परिषद बालाघाट द्वारा शीत ऋतु के चलते नागरिकों को ठंड से बचने के लिए आज शहर में अलाव की व्यवस्था की गई। पिछले चार दिनों से चल रही ठंडी हवा ने ठंड को पहले से अधिक बढ़ा दिया है। इस संबंध में नगर पालिका कर्मचारी मयूर वाहने ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी नागरिकों को रात्रि में कड़ाके की ठंड से बचने के लिए शहर के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल, हनुमान चौक, महावीर चौक, सुभाष चौक में लकड़ी गिराकर अलाव की व्यवस्था की गई है। प्रतिवर्षानुसार नगर पालिका द्वारा जैसी शीत ऋतु आती है तो अलाव की व्यवस्था की जाती है। जैसे भी दो तीन दिन से आप देख रहे हो कि ठंडी बढ़ गई है, तो नगर पालिका ने अपनी तत्परता दिखाते हुए शहर के सार्वजनिक स्थान जो है, जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल, दोनों हॉस्पिटल, बस स्टैंड में बड़े बस स्टैंड, छोटा स्टेशन, महावीर चौक, सुभाष चौक, अपना हनुमान चौक, वहाँ पर लकड़ियाँ गिरवा के अलाव की व्यवस्था की।